हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगाटेकवर्स। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक और ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स में, जिसका नाम है ओपनसूसे। नाम से ही पता चलना होगा ये लिनक्स की दुनिया का ग्रिगेट है, समझो। मतलब वैसा ग्रिगेट नहीं जो रंग बदलता है, इसका सिंबल ग्रिगेट है, ठीक है। ओपनसूसे लिनक्स नाम है इसका, और इसका हाल फिलहाल में लेटेस्ट वर्जन आया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देंगे आपको। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसकी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन बहुत लो एंड पीसीबी भी रन कर जाता है, तो आप वहाँ से जाके जो है रन कर सकते हैं। बाकी 4.2 GB जो है इसका ऑफलाइन इमेज है, तो वो डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। बाकी इंटरनेट डायरेक्टली इंस्टॉल करना है तो इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं, बट हमें वर्चुअल बॉक्स में करना है, तो इसलिए हम इसका ISO फाइल जो है डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, मेरे ब्लॉग पर मिल जाएगा आपको। और वर्चुअल बॉक्स अगर इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही है तो वो भी बता देना, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे, ठीक है। अब यहाँ से हम वर्चुअल बॉक्स सेटअप करते हैं ओपनसूसे के लिए, तो यहाँ लिखेंगे ओपनसूसे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 22 वर्जन है, तो यहाँ से 22 लिख देते हैं। यहाँ से कोई भी नाम रख सकते हैं आप ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ से आपको ISO फाइल सेलेक्ट करनी है, बाद में भी सिलेक्ट किया जा सकता है, मैं ऑलरेडी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आ गया आपका ओपनसूसे लाइव। और यहाँ से जो है आप रैम और प्रोसेसर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता दूँ मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन में डाल दूँ, और वैसे 2 GB में भी काम चल जाता है इसका। और यहाँ से 3-4 तक कर सकते हैं, जहाँ तक ग्रीन शो कर रहा है वहाँ तक कर सकते हैं, बट आप ईज़िली अगर जल्दी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ग्रीन तक कर लें, कोई इशू नहीं आएगा। वैसे मैं कहूँगा कि 2 भी चल जाएगा इसके लिए। और यहाँ से हार्ड ड्राइव 20 GB टू 40 GB तक चलेगा, यहाँ से 40 GB मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ से फिनिश करते हैं इसको, यहाँ से मोस्टली सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से चलते हैं सेटिंग में, जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी कर लेते हैं। और यहाँ से हम करेंगे एडवांस वर्जन पर, एडवांस पर जाएंगे और यहाँ से बाय डायरेक्शनल कर देंगे ड्रैगन ड्रॉप को। और यहाँ से हम जाएंगे सिस्टम, अब ये देखिए प्रोसेसर्स मदरबोर्ड सिस्टम फ्लॉपी हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें ऑलरेडी। और यहाँ से हम करना है वीडियो मेमोरी को हम 128 MB कर देना है, मतलब फुल कर देना है इसको यहाँ से। और स्टोरेज पे हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है ISO फाइल, कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी। USB पे जाके 3.0 या जो मैक्सिमम शो कर रहा है वो सेलेक्ट कर लेना है आपको, और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब करते हैं स्टार्ट, देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है इसका। ये देखिए यहाँ से हमारा फर्स्ट स्क्रीन शो कर गया है, बूट फ्रॉम हार्ड ड्राइव या इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ से हम जाते हैं बैक, ये देखिए अब इसमें कोई भी लाइव रन का ऑप्शन नहीं है, तो हमें इंस्टॉलेशन पे डायरेक्ट क्लिक करना पड़ेगा, हमें इंस्टॉल करना ही पड़ेगा वर्चुअल बॉक्स में, अगर हमें चेकआउट करना है तो देखना है इसे। तो अब ये देखिए डायरेक्ट इंस्टॉलेशन में ये स्क्रीन ओपन हुई है, यहाँ पर इससे कीबोर्ड लेआउट लाइसेंसिंग वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो आप, ये देखिए। अब यहाँ से कीबोर्ड टेस्ट भी कर सकते हो, जो भी है आपका लाइसेंस टर्म एंड कंडीशन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, अगर टाइम है तो पढ़ लेना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन यहाँ से शो कर रहा है। ऑफलाइन रिकॉग्नाइजेशन ये हटा देना, कोई इशू नहीं है, नो कर दो इसे। अब ये देखिए यहाँ से सिस्टम रोल, अब यहाँ से कोई भी आप जो है जीनोम सेलेक्ट कर सकते हो आप, डेस्कटॉप विद KD या डेस्कटॉप विजिनो, कोई सा भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर, जो आपको बेटर होता है आपके लिए विजुअलिटी में, जो अच्छा लगता है वो सेलेक्ट कर लेना। वैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने को कहूँगा। यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसके फीचर्स वगैरह, ChatGPT वगैरह, Create GPT ऑफ ऑन डी डैब एंड STA, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना छेड़छाड़, और यहाँ से करना है नेक्स्ट पे क्लिक। ये देखिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद ही हमारा लोकेशन सेलेक्ट करने का आएगा। आप लोकेशन में क्लिक पे भी सेलेक्ट कर सकते थे, बट ये क्लिक में चल नहीं रहा है, तो हमारा यहाँ से जो है ऑलरेडी शो कर रहा है एशिया कोलकाता, जो भी आपकी कंट्रीज़ वाइज है वो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। यहाँ से एडवांस पे भी जाके सेटिंग कर सकते हो, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे इसकी। तो यहाँ से सबमिट करते हैं, यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यूज़र प्रोफाइल, जैसा कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन में हमें प्रोफाइल बनानी होती है, तो वो प्रोफाइल बना लेना, पासवर्ड वही रखना जो इजीली याद रहे और जल्दी कोई क्रैक ना करे, ठीक है। ऑटोमेटिक लॉगिन हटा देते हैं, जबकि हमेशा पासवर्ड मांगे, और ऑटोमेटिक कर देंगे तो बिना पासवर्ड के ही हो जाएगा आपका। यस कर लेते हैं इसे। अब यहाँ से इंस्टॉलेशन में देखिए हमारा यहाँ स्टार्ट हो गया,
अब इंस्टॉलेशन सेटिंग्स, ये सारी सेटिंग बता रहा है, अगर कोई भी इधर उधर लगे तो बैक जाके आप चेंज कर सकते हो, वरना इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना। अब इंस्टॉलेशन क्या बताऊँ, तो मैं हाफ एन आवर तो मान के चलो, हाफ एन आवर ये ले लो, या फिर आप कह सकते हो कि आपके प्रोसेसर रैम और शेयर्ड रैम पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आधे घंटे में हो जाता है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चलता है। अब सिस्टम रिबूट मांग रहा है यहाँ से, जैसा कि मैं इंस्टॉलेशन हो गया है, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था वीडियो को, यहाँ से हम रिबूट पे करते हैं। अब बूट फ्रॉम हार्ड डिस्क यहाँ से शो कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जो हार्ड ड्राइव में हमारा मतलब वर्चुअल बॉक्स हमारे लिए हार्ड ड्राइव ही हो गया, तो उस पर क्लिक करना है। और ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट ऑप्शन पे जाके एंटर मार देना है। अब यहाँ से टम्बलवीड हमारा स्टार्ट हो गया है, और यहाँ हमारा पासवर्ड डालना है जो हमने डाला था, ऑलरेडी बताया हुआ था मैंने कि पासवर्ड के बिना नहीं रन होगा। तो यहाँ से हमारा ओपन हो चुका है ओपन सोर्स से, जैसा कि नाम ही है। और ये थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसे कैसा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से क्लोज करते हैं इसे, ये देखिए। अब यहाँ से सबसे पहले जो है इसका डिस्प्ले साइज़ छोटा लग रहा है, इसे जो है बड़ा कर लेते हैं। डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखते हैं ये ऑप्शन वर्क करता है इसमें या नहीं करता है। ये देखिए हमारा ये आ गया, कीप करते हैं यहाँ से कट। अब देखिए इस डिस्प्ले साइज़ तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके डिस्प्ले साइज़ रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से सारे फीचर्स वगैरह तो बढ़िया रन कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो ऐसे आ नहीं रही है। और यहाँ से दे रखा है गेम्स वगैरह, ग्राफिक्स भी दे रखा है, सारी सेटिंग्स दे रखी है इसके अंदर, जो नॉर्मली होता है ब्राउन्स डार्क, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, सॉरी ब्रीज डार्क है, ब्राउन्स डार्क पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया मैंने। और यहाँ से ये सारे फीचर दिखाए, देखिए ओपन सोर्स है, 3.8 GB रैम वगैरह, और यहाँ कंसोल भी रन कर रहा है इजीली, कोई भी इशू नहीं आ रहा है, स्मूथ रन है। वैसा कोई इशू नहीं है जब मतलब लैग वगैरह कर रहा हो या हैंग कर रहा हो, जैसा कि 4 GB के रैम से हिसाब से दिया, यहाँ से चेक कर लिया हमने ISO फाइल को। अब ये देखिए सेटिंग्स सारी देख ली है हमने दोस्तों, तो ये हमारा प्रॉपर वीडियो है, इसके ऊपर कोई भी इशू नहीं आया है अभी तक। तो वैसे मैंने रन किया है 2-4 दिन इसको, तो मेरे को कोई इशू नहीं लगा। बाकी इसके अंदर आप जो भी ऐप रन करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं, ईजिली रन कर सकते हैं। जो जैसा कि मेरे लिनक्स के ऊपर मोस्टली वीडियो होते हैं, तो लिनक्स सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं और लिनक्स के यूज़र्स बहुत कम हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक बार ट्राई ज़रूर करना और लाइक कर देना। और कुछ ना कुछ मैं सिखाता ही रहता हूँ आपको, तो वहाँ जाके जो है आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, और सोशल मीडिया पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कोई भी इशू आता है तो मैं हमेशा कमेंट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्रॉपर वीडियो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।